मैडम थोड़ा सा जाने का रास्ता सीधे अंदर सीधे अंदर सीधे अंदर जो है तो हाथ हाथ हटा हाथ हटा पूछो जी बस यही होता है। डॉक्टर धन सिंह रावत जिंदाबाद।
तीरथ सिंह रावत जिंदाबाद, अनिल नाटियाल जिंदाबाद, उमा राम चमका जिंदाबाद, बॉबी धामी जिंदाबाद। सभी बहुत शक्ति खड़े हो जाएंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके पुत्र, आपके छोटे बड़े भाई के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय पुष्कर सिंह धामी जी आपके बीच में। सभी दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाएंगी, मातृशक्ति का आभार। मोदी धामी जिंदाबाद, मोदी धामी जिंदाबाद। कतर ध्वनि से स्वागत है, धामी जी का स्वागत है, धामी जी का स्वागत है, मोदी धामी जिंदाबाद। सभी लोग पास पास आकर के मातृशक्ति लोग सवेरे से चलकर आई है, आपकी प्रेरणा से उत्तराखंड आगे बढ़ने वाला है। आप आदरणीय पुष्कर सिंह धामी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक, आपके प्रिय छोटे भाई बड़े भाई, पुत्रवत, आपके स्नेही, अति संवेदनशील, रचना धर्मिता के धनी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी आपके बीच हैं। मोदी धामी जिंदाबाद, मोदी धामी जिंदाबाद। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धे श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपके मध्य, आप दोनों हाथ खड़े करके करकल ध्वनि से अपने स्थान से तालियां बजा दीजिए। धामी जी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, मोदी धामी जिंदाबाद। सभी लोग ताली बजा करके आभार कीजिएगा, मोदी धामी जिंदाबाद। सर्वप्रथम कन्या पूजन के लिए उपमंच में माननीय मुख्यमंत्री संकल्प विभूति आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथिगण, पूरी मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हुए और अब जो हमारी परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ इस देव बंधन के साथ करते हैं, तो चमोली जिले में हम हैं तो सबसे पहले नौटी की मां नंदा देवी की पूजा अर्चना होगी। इसके साथ ही जसोली में विराजमान हरियाली देवी, बौचर में विराजमान कालिका देवी, सिमली में विराजमान चंडिका देवी, धनपुर में देवराणी देवी, कर्णप्रयाग की उमा देवी, सारी की झाली देवी, श्रीकोट की उपराणी देवी और कलकुल की जेठाई देवी। ये सभी नौ देवियों के पूजन अर्चन को करते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। जिला महामंत्री कुलदीप वर्मा जी कृपया मंच पर आएंगे। सुस्थिरा भव, सुखी चिरंजीवी भव, भद्रवस्तु महालक्ष्मी रक्षन्तु मां सर्वेषां।
दिनेश डिमरी जी मंडल अध्यक्ष, हेलो और इस प्रकार हमारा ये देवी पूजन का कार्य संपन्न हुआ। हमारे अब सभी गणमान्य अतिथिगण शिलान्यास और लोकार्पण की कार्यवाही के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शिलान्यास कार्यवाही के लिए ले जाते हुए आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद चमोली में जिला योजना राज्य सेक्टर केंद्र पोषित और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कुल 303,27,54,000 रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही लोकार्पण होगा जनपद चमोली में जिला योजना राज्य सेक्टर केंद्र पोषित और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 97,11,70,000 लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी महानुभावों के लिए। और ये देखिए पहला लोकार्पण किया गया। आपको बता दें एनआरएलएम की महिलाओं द्वारा भोजपत्र, वैजंती माला से बने उत्पाद, स्थानीय दालें, ऊनी वस्त्र, बद्री घी, बद्री प्रसाद, गोबर से निर्मित मूर्तियां, मसाले, झंगुरा, अचार, मशरूम, चूली का तेल आदि का विपणन को प्रमोट किया जा रहा है और आप सबको इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा भी गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी विभिन्न स्टॉलों के भ्रमण में महिलाओं के उस कार्य को महसूस भी किया गया। उनके द्वारा उखल में धान भी कूटे गए तो वहीं बुनकरों के द्वारा चरखे पर कताई भी की गई। उनके द्वारा फ्रूट प्रोसेसिंग के तहत किस प्रकार हमारी महिलाएं उस कार्य को संपादित कर रही हैं, वो सारे कार्य को करके उसको महसूस भी किया गया। तो आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें और दिखाएं कि मातृ शक्ति में कितना दम है, जिसकी वजह से हमारी मातृ शक्ति आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये मानते हैं कि जब महिलाएं समृद्ध होती है तो दुनिया समृद्ध होती है। महिलाएं मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन रही है और यही मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी का आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोरदार तालियां।